हेलो दोस्तों नमस्कार मैं गिरीश दहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पे निकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही शानदार जानदार तरीके से कर रहे होंगे तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए हम लोग लेके आएँ भाई अभी एस एस की बुक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपको पता है और एस एस में अभी चल रहा है भाई आपका परसेंटेज और आपके सामने क्वेश्चन नंबर आ चुका है वन तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपसे क्या बोल रहा आ, एट रुपीज, 20 ठीक है इट वैल्यू आफ्टर टू ईयर बोल रहे मोबाइल फोन पंद्रह हजार पांच सौ रुपए में खरीदा गया और बीस परसेंट प्रतिवर्ष के दर से हाश हो गया देखो अगर बीस परसेंट से हाश हो रहा है तो समझिए पांच से हो गया चार सर और पांच से हो गया चार बोलो बात आई समझ में क्या तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना हो गया पच्चीस ये हो गया चार चौकेश सोलह तो बोल रहा है कि ये इतना रेट आपका प्रॉपर पहले रेट था पंद्रह हजार जो सौ ये किसका पच्चीस का आपसे बोल रहा है कि दो वर्ष बाद कितना होगा तो चार चौकेश सोलह बोलो बात आई समझ में अरे आया कि नहीं तो देखो यहाँ से पच्चीस छिक्के हो गया डेढ़ सौ पच्चीस दूनी पचास सोलह दूनी बत्तीस का दो बचा तीन सोलह छिक्के छियानवे और तीन हो गया भाई निन्यानवे नाइन नाइन टू जीरो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा भाई साहब राइट आंसर ठीक है जी चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए दोस्तों ये रहा आपके सामने 127 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर बोल रहा है कि जय के पेटीएम वॉलेट में पांच सौ है भाई पहले अपने राशि में 20 परसेंट और फिर 25 परसेंट की वृद्धि करता प्रारंभिक राशि की तुलना में शेष राशि में प्रारंभिक राशि की तुलना और जो शेष प्रारंभिक राशि की तुलना में शेष राशि में प्रारंभिक वृद्धि ज्ञात प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए अच्छा जी दोनों तरफ वृद्धि हो रही है राशि में ठीक है तो यहाँ पे ना आपको एक्चुअली सक्सेसिव ही निकालना है क्या निकालना आपको यहाँ पे तो देखो सक्सेसिव ही लगेगा पर सौ का कोई मतलब है नहीं आप बोलो ये बीस की वृद्धि हो रही है ये पच्चीस की वृद्धि हो रही है आप बोलोगे बीस इंटू बोलो बात आई समझ में ये कितना हो गया बताओ पैंतालीस ये हो गया पच्चीस सौ ये चार पंच बीस तो मेरे भाई कितना हो गया पांच बोलो कितना हो पचास परसेंट की क्या हो रही है तो पूछ रहा है वो अरे नेट परसेंटेज चेंजेस में क्या होता है डिफरेंस द आप बेस वैल्यू बेस वैल्यू पांच सो ही है तो भाई बात तो वही है ठीक चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वन ट्वेंटी एट क्या बोल रहा है देखिए एग्जामिनर बोल रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल बिकम्स वन वन टेन रुपए पर लीटर फ्रॉम नाइनटी रुपए रुपए पर लीटर बाय हाउ मच परसेंट द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल शुड बी रिड्यूस्ड बाय रवि सो दैट इट्स एक्सपेंडिचर रिमेंस सेम आपको पता है बहुत ही आसान क्वेश्चन ये क्वेश्चन या तो परसेंटेज वैल्यू में आता है या सेम के सेम जो वैल्यू दे रखा है ऐसे नंबर्स में भी आ जाता है बोल रहा है कि एक पेट्रोल की कीमत पंचानवे रुपये पर लीटर से एक सौ पर लीटर हो जाती है मेरे भाई प्राइस क्या हो रहा है बताइए बढ़ रहा है अगर प्राइस बढ़ेगा तो बताइए कंजम्शन क्या हो जाएगा कम अगर प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या होगा कम करना ही पड़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा बताओ है ना प्राइस कंजम्पन तो कम करना ही पड़ेगा या तो फिर आप इतना पैसे कमाइए कि कंजम्शन कम करने की जरूरत ही ना पड़े ठीक है चलिए तो आप देखिए पेट्रोल की कीमत में पंचानवे रुपये पर लीटर है पेट्रोल तो बताओ कितना है प्राइस आप देखो तो पंचानवे रुपये पर लीटर है प्राइस आप देखो तो कितना है नाइन्टी फाइव रुपये पर लीटर है उससे बढ़ के कितना हो गया एक सौ दस रुपये पर लीटर ठीक है जी तो रेसो निकाल लो भाई पाँच से काटोगे तो उन्नीस चल जाएगा पाँच से काटोगे तो पाँच दूनी दस और पाँच दूनी दस बोलो बात सही है प्राइस का रेसो आ गया उन्नीस रेसो बाईस तो बताओ कंजम्पन कितना होगा पहले अगर बाईस लीटर खपत करते थे तो अभी कितना करना पड़ेगा आपको उन्नीस लीटर कब जब आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे भैया जब घर वाले आपको जो पॉकेट मनी दे रहे हैं वो उतनी की उतनी ही दे बोले बेटा हजार रुपये पॉकेट मनी है पेट्रोल के लिए अब पेट्रोल चाहे सौ हो, हो चाहे दस हो चाहे एक हो जाए हम तो हजार रुपये से तुम्हें ज़्यादा देंगे नहीं तो भैया यहाँ एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही है आपको एक्सपेंडिचर उतना ही उतना तो आप सीधी सी बात है कंजम्पन क्या करोगे कम करोगे तो पहले बाईस लीटर लगाते थे है ना अब उन्नीस लीटर लगाते हो ठीक है अब देखो क्या पूछ रहा कितने परसेंट कमी हो तो भाई बाईस है कमी कितनी हो गई उन्नीस की कितनी कमी हो गई बताओ आप बोलोगे सर कमी हो चुकी है तीन की कितने की बताइए की बोलो किसमें तो किस से बाईस में से इन टू मई हंड्रेड परसेंट ठीक है भाई अब मुझे ये बताइए तो इसको काट लीजिए और दो एक कम दो दो एक कम दो दो पांच दस सुन तो कितना हो जाएगा पांच पंद्रह एक सौ पचास बटे ग्यारह एक ग्यारह एकम ग्यारह तो जाएगा बचेगा चार ग्यारह तीस आएगा तेतीस तेरह जाली कंडीशन में एक ही है तेरह दशमलव सिक्स फोर परसेंट दोस्तों आपका क्या बन जाएगा यहाँ बताइए राइट तो क्वेश्चन टफ नहीं है ये क्वेश्चन ये टफ बिल्कुल भी नहीं है बस आपको इत... बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ठीक है जी चलिए भाई साहब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है बोल रहा है कि एक शहर की वर्तमान आबादी दस लाख है और अगले दो वर्षों के दौरान बढ़कर बारह दशमलव दस लाख हो जाएगी तो बोल रहा है कि समान वार्षिक दर ज्ञात करो रेट ज्ञात करो बोल रहा है था एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इज ट्वेल्व पॉइंट टेन लाख तो आपसे बोला दो साल बाद बताओ कितनी जनसंख्या हो जाएगी तो भाई देखो आपसे रेट पूछा एक्चुअली दस लाख है अभी कितनी होगी कि बताओ बारह दशमलव दस लाख बताओ क्या काम करोगे आप बारह दशमलव दस लाख दस लाख थी बारह दशमलव दस लाख आपकी हो चुकी है तो भाई हम क्या काम करेंगे देखो दस लाख है आपका तो आप एक काम करो दस लाख से बढ़ के कितने होगी कि बारह दस तो ये पॉइंट में जीरो तो पॉइंट में जीरो कर दो भाई देखिए जीरो का महत्व तो है तो यहां से देखो ये कितना होगा जीरो से जीरो तो बताओ कितना होगा सौ और एक बोलो बात आई समझ में जीरो का महत्व कब अगर संख्या के बाद लगे तो जीरो का महत्व है है अभी बोल रहा दो वर्षों में मैंने बताया था आपको कि ये दो वर्षों में अगर होगा अगर दो वर्षों में बोलेगा तो दो तीन वर्षों में बोलेगा तो तीन चार बोलेगा तो चार क्या लगा दोगे रूट लगा दोगे दो वर्ष दो, दो का रूट लगा दो दिया जाएगा किसका एक का दस से कितना बताओ ग्यारह कितना बढ़ा तो आप सबको पता है दस की हो रही है ऑप्शन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है तीन बटे चार का प्रतिशत तुल आप सबको पता है कि तीन बटे चार होता है सेवेंटी फाइव परसेंट याद होना चाहिए आपको तीन बटे आठ होता है साढ़े बारह परसेंट ये रटा होना चाहिए तीन बटे चार होता है पचहत्तर परसेंट रटा होना चाहिए दो बटे पाँच होता है चालीस परसेंट रटा होना चाहिए चार बटे सात होता है सत्तावन सही एक बटे सात परसेंट रटा होना चाहिए ये सब चीज़ें आपको रटी होना चाहिए बोलो बात है इसमें चार बटे नौ होता है ग्यारह चौवालीस सही चार बटे नौ परसेंट रटा होना चाहिए बहुत बेसिक बेसिक वैल्यू है पर आपको याद होना देखिए भैया बोल रहा है कि एक संख्या में दस परसेंट की वृद्धि की जाती है फिर बड़ी हुई संख्या में फिर बीस की परसेंट की जाती कमी की जाती है तो मूल संख्या, संख्या में पहले दस की वृद्धि कर दो फिर बड़ी हुई संख्या में बीस की वृद्धि कर दो बीस की कमी कर दो तो आपको पता है नेट परसेंटेज चेंजेस पूछ रहा है भाई आपसे क्या पूछ रहा है पूछ रहा है तो आप बोलोगे सर दस की हो रही है वृद्धि बीस की हो रही है कमी दस माइनस बीस माइनस दस इंटू बीस में कितना जाएगा बताइए हंड्रेड तो आप यहाँ से बोलोगे सर आ गया माइनस में दस और यहाँ से भी आपका माइनस में आ चुका है मेरे भाई कितना तो दो कितना जाएगा माइनस बारह परसेंट की क्या हो रही है बताइए कमी ऑप्शन या इंक्रीज गलत डिक्रीज गलत ये सही है भाई ये गलत बारह परसेंट का क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है अगर माइनस आ रहा है मतलब 12% का क्या हो रहा है डिक्रीज आपका हो रहा है ये आपका यहाँ से क्वेश्चन होता है खत्म ठीक है भाई चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोला द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 30% फाइंड द नेट परसेंटेज चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल तो आपको पता है 30% की वृद्धि बोल रहा है भाई और तीस परसेंट की ही कमी बोल रहा है आप समझ सकते हैं तीस में से तीस तो चला गया तीन तीन नौ नौ परसेंट का कहानी है भाई नौ परसेंट का वृद्धि तो होगी नहीं नौ परसेंट की कमी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा राइट आंसर हाँ जी तीस माइनस तीस माइनस में तीस इंटू में तीस आप में बोलोगे सर हो गया सौ हो गया नहीं हो गया बिल्कुल हो गया ये कट जाएगा मेरे भाई ये आ जाएगा माइनस का क्या हो रही है कमी हो रही है बताइए महारथियों कोई दिक्कत यहाँ तक चलिए भाई आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना क्या बोल रहा है प्रतिवर्ष बीस परसेंट बढ़ जाती है यदि चार वर्ष पूर्व जनसंख्या बासठ हजार पांच सौ है तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी होगी आपसे ये पूछा गया है बोल रहे कस्बे की आबादी बीस परसेंट बढ़ गई तो बोलोगे पांच से हो गई कितनी बताइए छ कितने वर्ष चार वर्ष पूर्व बोला है तो चार बार की कहानी है भाई तो आ जाओ पाँच से छः तो बढ़ जाती बोलो ना पाँच से छः और पाँच से छः क्लियर है क्या पचम पच्चीस पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पंचायत छः सौ पच्चीस बोलो बात आई समझ में और ये क्या बोल रहा है वर्तमान जनसंख्या कितनी तो ये एक सौ पच्चीस छः सौ पच्चीस की वैल्यू आपको छः सौ पच्चीस मतलब इंटू में जीरो मतलब दो ठीक है भाई एक रोट की वैल्यू कितनी आ गई वैसे ही सौ आ गई अगर आप देखो तो ये कितना होता है छः छि छत्तीस छः के दो सौ सोलह आई थिंक दो सौ सोलह ठीक है तो छः का मल्टीप्लाई और कर लो छः छिंग छत्तीस का छः इन छः छि छत्तीस का छः पचास तीन छः कम छः और तीन नौ छः दूनी बारह हो गया बारह सौ छियानवे बोलो बात आई समझ में आपसे बारह सौ छियानवे मतलब बारह सौ छियानवे कहाँ दिख रहा है बताओ डबल जीरो यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक तो इंटू में यहाँ भी क्या कर दोगे आप इंटू में सौ कर दोगे जी बारह सौ छियानवे डबल जीरो आपका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर चलिए देखिए भाई एक और क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि एक शहर में बारह हजार मतदाता हैं भाई हाँ जी उनमें से तीस परसेंट ने ए को वोट दिया पच्चीस परसेंट ने बी को वोट दिया और चालीस परसेंट ने सी को वोट दिया मतदाताओं की संख्या निर्धारित करें जिन्होंने इन तीनों प्रतिभागियों में से किसी को भी वोट नहीं दिया तो आपको निकालना है शेष मतलब ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो इलेक्शन का दिख रहा है पर है नहीं बोल रहा है कि मान लो सौ वोट आपके पास होते कितने वोट होते भाई सौ वोट उनमें से तीस परसेंट ने ए को वोट दिया तो तीस परसेंट ने ए को वोट दिया पच्चीस परसेंट ने बी को वोट दिया ठीक है और चालीस परसेंट ने सी को वोट दिया देखो ये कहानी आप इस तरीके से देखो तो जब शेष अगर नहीं बोल रहा है मतलब तीस प्लस पच्चीस और प्लस चालीस बोलो बात आई समझ में ये हो गया पांच सात दो नौ नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव लोगों ने वोट दिया पांच परसेंट ही थे जिन्होंने वोट नहीं दिया तो देखो कि कैसे निकालो कि सौ की वैल्यू बारह हजार मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ दो सौ दो सौ एक सौ बीस तो आपको बस निकालना है पांच परसेंट तो पांच इंटू में कर लेंगे एक सौ बीस बारह साठ तो छः सौ लोगों ने भाई वोट नहीं दिया ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बन जाएगा भाई राइट ये अगर शेष बोलता रिमेनिंग बोलता तो हम यहाँ पे सक्सेसफुल लगाते हैं रिमेनिंग इन बोला नहीं है ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से एक वर्ष पहले राम की आय बीस हजार रुपये प्रतिमाह थी व्यय सोलह हजार था अच्छा जी यदि अब उसकी आय में सॉरी यदि अब उसकी आय में दस परसेंट की वृद्धि होती है और व्यय में पंद्रह परसेंट की वृद्धि होती है प्रतिमा है बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा समझ सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है बोलोगा बीस हजार बीस हजार और सोलह का पहले निकाल लो आप क्या सो तो हो जाएगा चार पंचे बीस चार चौके सोलह तो भाई यहां से लिखो इनकम यहाँ लिखो एक्सपेंडिचर और यहाँ क्या जाएगा मेरे भाई सेविंग बोलो बात आई समझ में पांच सौ रुपये कर लो यहाँ पे इनकम चार सौ कर लो एक्सपेंडिचर और सौ रुपये आप बचा लो बोलो बात आई समझ में बोलो सर आगे अब बोल रहा आए मैं दस परसेंट की वृद्धि देखो पचास 50, 500 सौ है दस परसेंट की वृद्धि करोगे तो कितना बढ़ाओगे बोलोगे पचास रुपए बोलो बात आई समझ में फिर जीरो से जीरो कर जाएगा पचास रुपए आप बढ़ा लोगे फिर क्या आगे बताओ वह मैं पंद्रह परसेंट की वृद्धि करोगे पंद्रह परसेंट की अगर आप वृद्धि करते हो तो पंद्रह चौके होता है साठ साठ रुपये की वृद्धि कर रहे हो मुझे बताओ मुझे बताओ पंद्रह चौके साठ दस परसेंट ठीक है तो एक काम करो अब इसको पूरा पूरा लिख लो थोड़ा सा ज़रा ये था पाँच सौ पचास ये था चार सौ साठ ठीक है जी तो बताओ बचत में कितना आया होगा बताओ तो बचत में आया होगा जीरो और पंद्रह में से छः गए तो कितना बचेगा छः नौ पंद्रह होता है नौ गए तो नब्बे बचा नब्बे की वृद्धि हो रही है तो नब्बे परसेंट अच्छा पूछा गया है पहले ये देख लो नब्बे बचे मतलब कितनी कमी कमी हो रही है भैया आपकी दस की कमी हो रही कितनी कमी हो रही है दस रुपये की कमी हो रही है बचत में प्रतिमा बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा अच्छा तो अभी अपने हिसाब से दस की कमी हो रही फिर देखो यहाँ पे किसी से भी एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ बीस हज़ार रुपये प्रतिमाह की और वह सोलह हज़ार माह था तो देखो आपकी इनकम कितनी माना आपने पाँच सौ उन बोला था बीस हजार तो देखो जो डबल जीरो से डबल जीरो गया पंचो के बीस चालीस तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू चालीस है इन कर दो चालीस बोलो कितने की कमी हो रही है चार की कमी हो रही है रही आपका वही निकलेगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर नंबर बी बी नहीं वृद्धि भी तो कमी ऑप्शन ए आपका क्या बनेगा भाई राइट आंसर बढ़िया क्वेश्चन था यहां से वैल्यू लिख लिया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है टाउन थाउजेंड देशन इंक्रीज इज बाईटीन परसेंट इन फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 20 परसेंट इन द सेकंड ईयर बोल रहा है कि डिक्रीज बाय 12 इन थर्ड ईयर फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर थ्री है तो बस करना तो पड़ेगा ही पहले साल पंद्रह परसेंट बढ़ रही तो बोलोगे ये इनिशियल हो गया ये हो गया फाइनल ये हो गया पहले साल की कहानी बोलो पंद्रह परसेंट बढ़ रही तो बोलोगे बीस से कितनी हो गई बताओ तेईस ठीक है जी फिर बोल रहा है बीस परसेंट बढ़ जाती दूसरे बस तो दूसरे बस बढ़ गई बीस परसेंट मतलब कितनी हो गई बोलो पांच से छह हो गई फिर बात आती है तीसरे वर्ष की और तीसरे वर्ष में आपसे बोला जा रहा है कि 12 परसेंट कम हो गई 12 परसेंट का मतलब चार तिया बारह और चार से 25 चल जाएगा भी पूरा पूरा तो तीन बटे पच्चीस बोलो बात आई समझ में कम हो रही तो 25 से कम होके हो, के हो कितनी गई बताओ तीन कम मतलब 22 चलिए अब बताइए यहाँ से क्वेश्चन आपका ये हो गया हो गया नहीं हो गया बिल्कुल अब आपसे ये जो दे रखा है शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो बोला है तीन वर्ष के बाद मतलब ये जनसंख्या दे रखी है तीन वर्ष के बाद आपकी क्या होगी ये आपसे पूछा है तो देखो यहाँ से तीन वर्ष के पहले कितनी थी पंचानवे हजार कितनी थी बताओ पंचानवे हजार पंचानवे हजार अपौन में क्या आएगा बताओ ये जो लिख रखा है आपका पच्चीस इंटू पाँच इंटू बीस यहाँ से निकाल लो एक यूनिट की वैल्यू बोलो भाई जीरो से गया जीरो पाँच यूनिट दस से गया एक जीरो पच्चीस की बात बताइए पचम पच्चीस पांच से काटोगे तो उन्नीस बार पाँच से काटोगे तो उन्नीस बार और पाँच दूनी दस पांच पंद्रह अठा चालीस अड़तीस आ गई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बताओ थर्टी एट यहाँ लिख भी लो कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई थर्टी एट तो भाई ये निकालना आपको तो तेईस इंटू मल्टीप्लाई भी करी लो लगे हाथ यूनिट क्योंकि सबकी सेम है तो भाई करना तो पड़ेगा ही छह त्री अठारह का आठ बचा एक छः दुनिया बारह और एक तेरह इंटू में बाईस इंटू में थर्टी एट ये है भाई कहानी इसका मल्टीप्लाई आपको करना तो कर लो भाई ऑप्शन है नहीं कुछ ऑप्शन कुछ है नहीं डिजिटल सम वगैरह भी लग सकता पर इतने समय क्या डिजिटल सम लगाओगे लगा भी सकते हो वैसे पर ठीक है है ना और आंसर बहुत नीरेस्ट है यूनिट डिजिट सेम है तो कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा तो कर लो लगे हाथ इसमें देखो एक में अगर मैं आपको मल्टीप्लाई करूँ तीस प्लस आठ कितना थी? थी है का चार दो तीन, तीन नौ छत्तीस का बचा तीन आठ एक तीन ग्यारह हो जाएगा चार चार दो पाँच फाइव टू फोर फोर कितना हो गया फाइव टू फोर फोर इसमें मल्टीप्लाई करना है मुझे बाइस का बाईस बचा आठ फिर बाईस सौ के अठासी और आठ आपका हो जाएगा आठ आठ सोलह का छह बचे नौ बचेगा बाईस दुनी चौवालीस चौवालीस और नौ नौ तेरह का तीन बचेगा पांच बाईस पंचे एक सौ दस होता है तो एक सौ पंद्रह आपका हो जाएगा एक सौ पंद्रह तीन सौ अड़सठ एक सौ पंद्रह तीन सौ अड़सठ ऑप्शन नंबर सी आपका बनेगा भाई राइट आंसर बोलो बात आई समझ में एक सौ पंद्रह तीन सौ अड़सठ क्या बनेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर क्वेश्चन में कुछ है नहीं पर वही बात है कि क्वेश्चन में कुछ है नहीं पर फिर भी बहुत कुछ है क्या बहुत कुछ है भाई बहुत कुछ यह है दोस्तों कि आपका थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आपको दिक्कत कर सकता है बस इसमें ज़्यादा दिक्कत तो फिर भी नहीं है प्रीवियस कुछ प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में हमने देखा है कि एक दो क्वेश्चन बहुत दिक्कत करे हैं ये तो फिर भी ठीक है ये तो आसान क्वेश्चन था फिर भी ठीक है भाई चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन

एक शहर में जून के महीने में जून के महीने में तीस परसेंट लोगों को कोविड नाइन्टीन टीका टीका लगाया गया कितने लोग तीस परसेंट और शेष बचे पचास परसेंट के जुलाई और शेष बचे बीस परसेंट के अगस्त में टीका लगाया गया अभी भी चौरासी हज़ार टीकाकरण के लिए बचे हुए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं सक्सेसफुल वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट सक्सेसफुल लगा देंगे दस से पहले तीस तो बचे कितने बताओ देखो तीस की बात होती है मतलब तीन बटे ये बोल रहा है लोगों को कोविड में टीकाकरण लगा दिया गया जून में तीस परसेंट लोगों ने कोविड में टीकाकरण द्वारा टीकाकरण लगवाया ठीक है दस में से देखो दस लोगों से लग गया तो बचे कितने? बचे कितने सात फिर शेष में पचास परसेंट दो में से कितने बचे बताओ एक और बाद में बीस परसेंट तो भाई पांच में से कितने बचे बताओ चार इसमें हमेशा नीचे माइनस ही होता है सक्सेस में ठीक है जो कट रहा है काट दो दूनी चार दो से काट लो पांच बार तो बचेगा कितना पच्चीस बचेगा सात अच्छा जी क्या बोल रहा है अभी भी इतने लोग बचे हुए हैं मतलब हमें वैल्यू दे रखी है सात की कितनी दे रखी है बताओ चौरासी चौरासी हजार तो बारा सत्ते चौरासी होता है और तीन जीरो यहाँ देखोगे तो पच्चीस इंटू बारह आपको करना पड़ेगा तो बारह पंचे साठ का सुन बच्चा छह बारह पंचे साठ का सुन बच्चा छह दून चौबीस और छ तीस और साथ में है आपके साथ तीन जीरो एक दो तीन

ठीक है देखो यहाँ पैतीस है चौंतीस होता तो बात बन जाती है छः सौ तीस का सत्रह परसेंट बराबर एक्स का पैतीस परसेंट ठीक है भाई आपको यहाँ से यह पता चल गया कि जीरो से गया जीरो सात नम तिरसठ सतापना पैंतीस पांच से कार दो अठारह पांचे नब्बे ठीक है सत्रह सत्रह दो सौ नवासी में जोड़ दो एक बार और सत्रह सात सात चौदह पंद्रह सोलह का छः बचा एक आठ नौ दस का सुन बचा एक तीन सौ छः आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बोलो बात आई क्या समझ में तीन सौ छः आपका क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर वन थर्टी नाइन भाई हाँ जी क्या आ गया वन थर्टी नाइन क्या बोल रहे देखो यहाँ पे कि पौधे की ऊंचाई दो परसेंट प्रति की दर से बढ़ती है यदि इसकी ऊंचाई वर्तमान ऊंचाई वन पॉइंट टू मीटर है तो तीन वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी तीन वर्ष बाद आपको निकालना हाँ तो चलो भाई पहले है वन पॉइंट टू फिर इंटू में क्या कर करना दो परसेंट तो एक सौ दो बटे सौ फिर इंटू में एक सौ दो बटे सौ आप बोल रहे होंगे सर एक सौ दो बटे सौ क्यों लिख रहे हो इक्यावन बटे सौ इक्यावन बटे पचास क्यों नहीं लिख रहे तो इसलिए नहीं लिख नहीं लिख पा रहे हैं भाई हम वो क्योंकि अगर वो लिख भी दोगे तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला कटना पिटना कुछ है नीचे आ जाएगा छः सौ पच्चीस वो और किसी से नहीं कटेगा तो और टेंशन इसलिए नीचे जीरो ही रहने दो तो। बोलो आई बात समझ में ठीक अब देखो यहाँ से आप मुझे बताओ हमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना है आपको पता है जैसे एक सौ दो इन टू एक दो आपको पता है कि जैसे सौ अगर है सौ प्लस दो ठीक है इजिक्वल टू एक सौ दो आई बात समझ में हम क्या करते हैं बताओ यहाँ पे लिखते हैं हम एक सौ दो एक्स्ट्रा कितना है दो तो दो को जोड़ देते हैं कितना आ गया बताओ एक सौ चार आया नहीं आए सौ बेस है इसलिए कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें और यहाँ दो ज़्यादा था दो का कर देंगे स्क्वायर कितना जाएगा जीरो चार तो आंसर आ गया एक सौ चार जीरो चार बोलो बात आई समझ में अब आपको एक सौ चार जीरो चार में एक सौ चार जीरो चार में मल्टीप्लाई करना है भाई कितना एक सौ दो का तो अब लिख लीजिए सौ प्लस दो ये हो जाएगा एक सौ चार जीरो चार डबल जीरो और देखो दो चौके आठ सुन दो चौके आठ सुन दो एक कम दो तो ये हो जाएगा आठ जीरो आठ चार बारह का बच्चा एक तो ये जाएगा चार दो छः जीरो वन ठीक है भाई अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई वन पॉइंट टू का तो वन पॉइंट टू का मल्टीप्लाई कर लो बारह अठे छियानवे का छः बच्चे का नौ बारह दुनी चौबीस का चार बच्चे का दो बारह कम बारह और तेरह चौदह का चार बच्चा दो बारह छिम बहत्तर दो चौहत्तर का चार बच्चा सात साथ आ जाएगा बारह कम बारह ठीक है तो देखो भाई क्या आ रहा है बारह चौहत्तर हाँ वो रहा होगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा रा? राइट राइट आंसर बारह तिहत्तर ठीक है क्या यहाँ कुछ गलत लिख दिया था मैंने बारह तिरहत्तर ही आएगा वो बारह तिहत्तर ही आएगा बोलो बात आई समझ में नीचे के भी जीरो ना एक दो तीन चार पाँच छः एक दो तीन चार पाँच छः तो आप देखोगे एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा पर वही लगभग बैठ रहा है बारह तिरहत्तर ठीक है इसका रिमार्क नहीं लगाना ऐसे क्वेश्चन भाई हाँ चलो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि कुछ कर ही नहीं पाओगे है ना तो आपको पूरा पूरा करना पड़ता है बोल रहा है कि द टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज ऑफ फाइव परसेंट एंड एन आर्टिकल आर इक्वल सिंगल प्राइस इंक्रीज और एक वस्तु के मूल्य में पांच परसेंट पांच परसेंट की लगातार दो वृद्धि होती है एकल वृद्धि के बराबर होगा तो आप समझ सकते हैं पांच और पांच दस पचम पच्चीस जीरो पॉइंट टू फाइव दस दशमलव पच्चीस नंबर राइट आंसर बोलो बात आई समझ में और नहीं आई तो एक बार देख लो दोनों वृद्धि हो रही तो बोलोगे पांच बोलोगे पांच बोलोगे पांच इंटू पांच अपॉन में बोलोगे सौ तो बोलोगे पांच और पांच दस हो गया पच्चीस मतलब जीरो पॉइंट टू फाइव आंसर आपका कितना जाएगा दोस्तों आंसर बताइए कितना आएगा दस दशमलव पच्चीस परसेंट दस दशमलव पच्चीस परसेंट ठीक है भाई कोई तो दिक्कत बताओ यहाँ तक आप बोलोगे सर कोई नो समस्या ना है ऑप्शन नंबर ए ठीक है जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट भैया चाय का प्राइस हो गया बीस परसेंट ज्यादा बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट द कंज़म्पशन ऑफ टी बी टी डिमिनिस्ट सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ टी बताओ इससे अच्छा या आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या बिल्कुल नहीं एक चाय की कीमत में बोल रहा है बीस परसेंट की वृद्धि हो गई और चाय की खपत कितने परसेंट कम करोगे ताकि खर्चा समान रहे मतलब हम बोल रहे हैं खर्चा नहीं करना है और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं बेस वैल्यू चेंज देखो बीस की वृद्धि मतलब पांच से छह मतलब अब छह होगी मतलब एक सोलह से ही दो बटे तीन परसेंट बोलो है कहीं आंसर बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर ठीक है आगे बात समझ में बेस वैल्यू चेंज करना है क्या करना है सिर्फ बेस वैल्यू चेंज क्या

वर्तमान मूल कितना बताओ तो छियालीस चालीस ट्रिपल जीरो बोल रहा है कि हर साल इसका मूल पाँच परसेंट दर से घट रहा है है ना तो कितना हो जाएगा पाँच परसेंट मतलब होता है एक बटे बीस तो आप लिखोगे उन्नीस बटे बीस इंटू उन्नीस बटे बीस और इंटू में उन्नीस बटे बीस बोलो बात आई समझ में अब मुझे ये बताओ कि यहाँ से ये जीरो, जीरो जीरो तो जीरो 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 गया दो चार दूनी आठ तो आठ से काट लो भाई अट्ठापन चालीस अट्ठीअी चौंसठ हो गया पाँच सौ अस्सी अब देखो पांच सौ अस्सी तो हो ही गया है आपको पता है कि उन्नीस का क्यों कितना होता है किसको पता है छ हजार कितना होता है ठीक है आपको अगर याद होगा तो उन्नीस का क्यों होता है छह हजार आठ सौ उनसठ क्लियर है क्या और नहीं आते फिर भी तीन सौ इकसठ में इन में एक बार और उन्नीस करना पड़ेगा आपको ठीक है तो भी आ जाएगा ठीक है चलिए यहां से देखो इसका मल्टीप्लाई करना तो छः हजार आठ सौ उनसठ में अगर आप पांच सौ अस्सी तो जीरो को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए अट्ठावन पचास प्लस आठ कर लीजिए ठीक है तो पांच नौ पैंतालीस का पांच जीरो तो है पांच नौ पैंतालीस का पांच बचा चार पचम पच्चीस चार उन्तीस का नौ बचा दो पन्ना अठालीस दो बयालीस का दो बचा चार पंचिक के तीस और चार चौंतीस बोलो बात आई समझ में आठ देखो आठ नौ बहत्तर का दो बचा सात अठापन चालीस सात सत्रह सात बच्चा चार अठी अट्ठी चौंसठ और चार होता है अड़सठ का आठ बचा छह आठ सिं अड़तालीस और अड़तालीस और छ आठ छ चौदह चार चौवन ठीक है तो यहाँ देखो दो आ गए सात पांच बारह का दो बचा एक आ गया नौ नौ अठारह का आठ बचा एक आ गया चार दो तो छ और एक सात आ गया और पांच और चार नौ थ्री नाइन सेवन एट टू टू थ्री नाइन सेवन एट टू टू जीरो जीरो तो आपका था ही ऑलरेडी तो भाई आपका आंसर नंबर बी यहाँ पे क्या चुका है राइट right आंसर तो बताइए इसका कुछ और तरीका है नहीं हाँ यूनिट डिजिट वगैरह देख सकते हो यूनिट डिजिट नहीं क्या देख सकते हो आप यहाँ से यहाँ से आप देख सकते हो डिजिटल सम है ना तो कितना बन रहा था इसका देखो अब मतलब क्वेश्चन तो कर ही लिए एक बार देख लेते हैं मैच करके कहीं आ जाए तो 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 नौ नौ घट गया था नहीं इसको छोड़ो यहाँ से देखो इसका आठ और पाँच तेरह तीन और एक चार हो सकता था आठ और पाँच आठ चार बारह तीन और एक चार यहाँ देखो नौ है नौ गया आठ और छः चौदह चार एक पाँच पाँच दस मतलब एक आया चार एकम चार आए इसका देखो कितना आ रहा है दो दो नौ गया ठीक है सात और दो नौ गया आठ और दस मतलब एक तीन और एक चार चार आ रहा है डिजिटल सम इसका चार आ रहा है डिजिटल सम से इसको किया जा सकता था और किसी का नहीं होना चाहिए बस आठ चार बारह बारह चार सौ छः सात आ रहा है इसका आंसर ये नहीं हो सकता सात और दो नौ पाँच और चार नौ इसका नौ हो रहा है ये आंसर नहीं हो सकता ये देखो छः छः बारह तेरह तीन चार आठ चार बारह दो तीन तीन और एक चार चार आठ इसका आठ आ रहा है ये भी नहीं हो सकता भाई तो आंसर आपका एक ही सही था आप डायरेक्ट यहाँ से भी चाहो तो यहाँ से और चाहो भाई आप तो यहां से भी आंसर निकाल सकते थे पांच सौ अस्सी इंटू उन्नीस इंटू उन्नीस इंटू किससे निकाल पाओगे यहां से भी निकाल पाओगे क्योंकि यहाँ का डिजिटल सम आ जाएगा चार और ऑप्शन में चेक करोगे तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी में डिजिटल सम कितना है चार बोलो बात नहीं समझ में डिजिटल सम से इसको किया जा सकता है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन नहीं है ठीक है भाई चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई वन फोर्टी थ्री क्या बोल रहा है एक पेंटिंग का मोल इतना दे रखा है इतना इतना हो गया तो पेंटिंग परसेंटेज तो आपने बोला कितने जीरो हैं भाई एक, दो तीन चार एक दो तीन चार कितना हो गया बताओ अठारह दो एक दो तीन बोलो बात आई समझ में तो पहली फुर्सत में तीन को तो निकाल दो बोला जाओ भाई तीन तो हो गया खत्म अब बात आई इसकी कुछ कट रहा है क्या बोलो कट जाएगा दो सौ तो कट ही जाएगा दो सात चौदह दोनों तो अठारह दो एकम दो ठीक है भी कर जाएगा साथ एकम, साथ और साथ तेरा बार, तेरा भी होता भाई तो देखो कितना बढ़ रहा है बोलोगे सर हंड्रेड परसेंट आप बोलोगे तीस परसेंट की क्या हो रही है वृद्धि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर तो वन फोर्टी थ्री क्वेश्चन क्या बताइए समझ में आया क्या चलिए भाई वन फोर्टी फोर क्या बोल रहा है चेन्नई में एक आई मैच का टिकट पच्चीस सौ रुपये था जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकट की बिक्री टिकटों की संख्या में पचास परसेंट की वृद्धि हुई लेकिन राजस्व में पंद्रह परसेंट की कमी देखी गई टिकट की घटी हुई की कीमत क्या थी देखिए आपको पता है कि एक आई मैच हो रहा था जिसकी टिकट की आई का मैच का टिकट पच्चीस था अब आपसे पूछ रहा है कीमत कीमत पूछ रहा मतलब एग्जिट वैल्यू का मतलब यहाँ पे है तो चेन्नई में एक मैच में आईपीएल मैच का टिकट पच्चीस रुपये था एक टिकट की कीमत कम हो गई प्राइस हमने कम कर दिए टिकटों की बिक्री टिकटों की संख्या में जो टिकटों की बिक्री हुई पचास परसेंट की वृद्धि हुई देखो सेल में आप देखो इंक्रीज हो रहा कितना हो रहा बताओ वृद्धि हो रही दो से हो गया तीन ठीक है और राजस्व में जो आपका राजस्व है जो रेवेन्यू आया रेवेन्यू में भी क्या हुआ बताओ रेवेन्यू में आया पंद्रह परसेंट की कमी मतलब बीस से कितना हो गया बताओ तीन सत्रह तो देखो आप एक चीज़ समझो यहाँ पे ये क्या है बताओ टिकट आपको इतना पता है कि टिकट जैसे आप सिनेमा हॉल गए तो कितने टिकट गए और कितने रुपए पर टिकट की ये टिकट मिली ये बनता है क्या रेवेन्यू आपको यहाँ पे मतलब इस सेल समझ लो इस सेल हो गया तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है सेल की बात नहीं चल रही वैसे यहाँ पे ये बोला टिकट की घटी हुई कीमत क्या है तो कीमत पूछा है तो देखो सेल कीमत तो आपकी प्राइस ये प्राइस हो गया देखो आप ही देखो ये एक सेल हुई होगा कितने रुपए पर टिकट में और कितना रुपए पर टिकट तो ये कितने रुपए पर टिकट में पूछ रहा आपसे जुकल टू क्या निकल के आता है रेवेन्यू आपको अगर ये निकालना है तो आपको रेवेन्यू अपॉन में सेल करना पड़ेगा बोलो बताओ बिल्कुल करना पड़ेगा तो रेवेन्यू अपॉन में सेल तो आप कर लीजिए रेवेन्यू अपॉन में सेल तो कितना हो जाएगा बीस अपॉन में दो सत्रह अपॉन में तीन वो लोग बात आई समझ में अब बोलो कि बढ़िया है ये कट जाएगा दस बार तो यहाँ से जाएगा तीस अनुपात में सत्रह ठीक है तो बोलो कितने की कमी आ रही है तो देखो की घटी घटी हुई हुई कीमत कीमत क्या थी? कितनी बताओ? यहां से निकालना का मल्टीप्लाई पहले कर लो सत्रह पांच पचासी का पांच बचेगा आठ और सत्रह दून चौतीस चौंतीस और आठ चार बारह मतलब बयालीस ये हो जाएगा आपका तीन बोलोगे तीन एकम तीन तीचो के बारह तीन एकम तीन टीचिंग अठारह फिर आ जाएगा टीचिंग अठारह फिर आ जाएगा दो तो टीचिंग अठारह ये आएगा वन फोर वन सिक्स पॉइंट सिक्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बन जाएगा भाई राइट right आंसर बोलो बात आई समझ में बताइए बढ़िया क्वेश्चन था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था इस इसको आप अच्छे तरीके से समझ के चले ठीक है भाई चलो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई क्वेश्चन नंबर वन चलिए देखते हैं वेन द प्राइज ऑफ अ ब्लूटूथ ईरफो इज इनक्रीज बाई टूथरफोन इज रिड्यूस्ड बाई ट्वेंटी परसेंट वट इज द नंबर वट इज द नेट इम्पेक्ट ऑन द इट्स रेवेन्यू बोल रहा है कि जब एक ब्लूटूथ ईयरफोन की कीमत बारह परसेंट बढ़ जाती है तो भाई प्राइस बढ़ रहा है बारह परसेंट बारह परसेंट का मतलब आप सबको पता होता है तीन बटे पच्चीस बोलो बात आई समझ में बढ़ रहा मतलब प्लस का साइन ठीक है भाई फिर बोल रहा है कि उसका जो ब्लूटूथ ईयरफोन की सेल है सेल में भाई हो रही है बीस परसेंट की कमी मतलब आप बोलोगे सर एक बटे पाँच कमी मतलब माइनस तो उसकी रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा आप सबको पता है कि सेल इनटू टू में प्राइज ही तो रेवेन्यू होता है बोलो होता है, नहीं होता बिल्कुल होता है। तो आप प्राइस बोल सकते हो भाई कितना हो गया बोलोगे पच्चीस से हो गया अट्ठाईस आप बोल सकते हो सेल जो हो रही है मेरे भाई हो रही है पाँच से एक कम बोलो चार ठीक है तो यहाँ क्या निकलेगा बोलो रेवेन्यू पच्चीस पंचाय एक सौ पच्चीस क्योंकि कट कुछ है नहीं तो 32, 112. बोलो बात आई समझ में तो रेवेन्यू पहले एक सौ पच्चीस था सौ बारह मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो है तो सर तेरा डिक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है तेरा बोलो बात आई समझ में तेरह अगर डिक्रीज हो रहा है और बोलो किससे डिक्रीज हो रहा है तो बोलोगे एक सौ पच्चीस से इंटू में सो परसेंट पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस पच्चीस चौके सो चाहो तो एक बार दो का मल्टीप्लाई और कर दो दो तो का मल्टीप्लाई और कर दो तो दिक्कत और तो नहीं रहेगी तो चार दुनिया है सही है ना? सही है सही तो है ना? कि नहीं बताइए एक सौ चार अपॉन में दस दस दशमलव दस चार परसेंट की क्या होगी बताओ कमी दस दशमलव चार परसेंट के डिक्रीज होगा ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट आंसर होगा ठीक है भाई आई बात समझ में आ जाइए द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज बाई टेन परसेंट इन द फर्स्ट ईयर एंड एंड्रीज बासेंट इन द ईयर इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ईयर ऑफ इतनी दे एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में दस परसेंट की वृद्धि हो गई मतलब कितना हो गया बताओ एक बटे दस दूसरे वर्ष में हो गई दस परसेंट कमी मतलब एक बटे दस यहाँ प्लस हो रही है यहाँ माइनस हो रही है दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या जो दे रखी है इतनी दे रखी है वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी होगी बताओ दस से एक बढ़ गया बोलो लोग ग्यारह दस से एक बढ़ गया बोलो कम हो गया बोलो नौ दस दाम हो गया बोलो सौ ग्यारह नौ निन्यानवे बोलो इतना समझ में आया कि मेरे भाई बोलो सर आ गया अब बोल रहा है कि दूसरे बस के अंत में जनसंख्या मतलब ये दे रखी है निन्यानवे नहीं बोला है निन्यानवे एक दो तीन चार तो एक मिनट के बोले कितनी आ गई एक दो तीन चार तो आपसे क्या पूछा है पहले बस की शुरुआत में जनसंख्या दो जीरो हमारे पास पहले ही थे एक दो तीन चार और एक दो कितने जीरो एक दो तीन चार पाँच छः जीरो यही होगा दिक्कत ही नहीं है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बोलो बात आई समझ में तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर क्या ही बात है भाई जी देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे चलते चलते हम आ गए वन फोर्टी क्वेश्चन तक ठीक है भाई हल्दियों के दिनों में दिन के समय में औसत तापमान चौतीस था दिन रात में तापमान आठ डिग्री सेल्सियस कम हो गया तो प्रतिशत कमी क्या होगी तो आप बोलोगे सर चौंतीस माइनस में आठ अपॉन में चौंतीस इंटू में सौ परसेंट बोलो बात आई समझ में तो परसेंटेज कमी आपकी निकल जाएगी तो भाई ये हो गया छब्बीस अपॉन में चौंतीस इंटू में सौ परसेंट बोलोगे कितना दो से काट दोगे भाई दो से काटोगे तेरह बार आएगा दो से काटोगे सत्रह बार आएगा एक सौ तीस तेरह सौ बटे सत्रह तो तो कितने बार जाएगा सत्र अठे होता है एक सौ छत्तीस सत्रह अट्ठे तो नहीं जाएगा तो आठ वाली कहानी खत्म इतना कम हो नहीं सकता इतना ऐसा आएगा नहीं ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट आंसर है सेवनटी सिक्स पॉइंट फोर सेवन बोलो बात आई समझ में तो ऑप्शन की सहायता लेना है बड़ी देर बाद एक ऑप्शन ऐसा मिला जिससे हम सहायता ले पा रहे हैं नहीं तो परसेंटेज के क्वेश्चन में सहायता लेने के लिए उन्होंने कुछ रखा ही नहीं है है ना सारे क्वेश्चन देखेंगे तो वो ही दे रखा है इसमें ऐसे क्वेश्चन आपके ऐसे बन जाते हैं फटाफट ठीक है दिखना बट आप दिखने पर है आसान चलिए भाई आ जाइए बनाएंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्राइस ऑफ शुगर चीनी की कीमत में पांच परसेंट की कमी आई है अच्छा जी तो कीमत में प्राइस में पांच परसेंट की क्या हो रही है बताओ कमी हो रही है तो कोई परिवार चीनी अपने खर्च को पहले की तरह रखना चाहता है बोल रहे भैया पैसे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे पर चीनी में हम थोड़ी कमी कर लेंगे तो बार परिवार कन, खपत कम कर लेगा तो खपत कितनी कम कर रहा है तो आप बोलोगे चाहे आपका दो तो ऑप्शन है है इसमें की कमी आता, आप बोल सकते हो पांच अपॉन में नाइन फाइव इंटू में सौ परसेंट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा पांच से जाएगा उन्नीस बार एक बटे उन्नीस होता है आपका पांच सही पांच बटे उन्नीस परसेंट ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी एक तरीका तो ये है ना दूसरा तरीका आपका ये है कि पांच परसेंट की कमी आ रही है मतलब एक बटे बीस तो बोलोगे बीस से हो गया इक्कीस क्या हो गया प्राइस तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? तो बोलोगे हो गया बीस अरे उन्नीस होगा ना भाई तो उन्नीस एक बटेट बढ़ रहा है ऐसे भी कर लोग पांच से ही पांच बटे उन्नीस परसेंट देखिए इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल वोटर्स मार्क्ड एज ए इनवेलिड ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम द विनर गेट्स एंड इनवेलिड बोर्ड्स बढ़िया क्वेश्चन है दो तो प्रतीकों के बीच एक चुनाव में तकनीकी समस्या के कारण कुल वोटों का पच्चीस परसेंट तो अवैध हो गया मान लो टोटल वोट अगर सो रहे होंगे तो उसका चला गया पच्चीस परसेंट बताओ कितना चला गया पच्चीस वोट तो बचे कितने बताओ सेवेंटी फाइव वोट फिर क्या बोल रहे हैं बोल रहे कि विजेता को पचहत्तर सौ वोट मिले तो वो जो यहाँ से विनर रहा होगा उसको मिले हैं पचहत्तर सो वोट एक रहा होगा लूजर जो वैध वैध वोटों के दो बटे तीन विजेता के मतों और अवैध क्या बोलने? जो कुल वैध वोटों के दो बटे तीन होते हैं जो पचहत्तर सो इसको वोट मिले हैं ना ये पचहत्तर सो वोट बोल रहा है ये जो पचहत्तर सो वोट बोल रहा है किसको विनर को पचहत्तर सो वोट उसको मिले हैं ये किसके मिले हैं ये वैध मतों के वैध मत कितना लिया आपने पचहत्तर एक्स इन का कितना दो बटे तीन का पचहत्तर सौ है ये बोल रहा है तो अवैध मतों बोला है कि विजेता के मतों और अवैध मतों के बीच अंतर अच्छा तो वोट जो आपके पच्चीस थे और क्या बोला है विजेता के मत तो विजेता के मत यहाँ से निकल जाएंगे ठीक है देखो कितना हो रहा है यहाँ से और ने विजेता को ये भी दे दिया ना तो आपको एक यूनिट की वैल्यू बस चाहिए पचहत्तर से पचहत्तर गया आ गया जीरो दो से काट लो गया जाएगा पचास एक्स की वैल्यू आएगी डेढ़ सौ एक्स की वैल्यू डेढ़ आ गई आपसे वो ये बोल रहा है कि विजेता के मत विजेता के मत तो हमें ऑलरेडी दे रखा है पचहत्तर सौ विजेता को मिल गया पचहत्तर सौ वोट बोलो बात आई समझ में और अवैध मतों के बीच तो बनता तो अवैध मत कितने बताओ पच्चीस अच्छा हमारे हिसाब से कुछ अभी निकला नहीं है क्या हाँ विजेता के वोट पचहत्तर डेढ़ सौ आपका आ गया था ये पच्चीस परसेंट मतलब पच्चीस हमने यहाँ मान लिए थे और हाँ एक चीज और दे रखा है यहाँ पे जो कुल वैध बटो के दो बटे तीन होते हैं तो अगर इसको दो बटे तीन मिले होते तो इसको एक बटे तीन मिले होते बोलो बात है समझ में तो ये हो जाएगा पंद्रह ती पचहत्तर पाँच दूनी नहीं पच्चीस ती पत्तर पच्चीस दूनी पचास ये पचास इसको मिले होते तो इसको कितने मिलते फिर पच्चीस ठीक है तो देखो क्या बोला है विजेता के मत विजेता के मत मिले हैं पचास और अवैध मत अवैध मत कितने पच्चीस तो डिफरेंस कितना है बताओ पच्चीस पच्चीस डिफरेंस था एक यूट की वैल्यू कितनी थी बोलोगे डेढ़ सौ ये आंसर होना चाहिए पंद्रह पाँच पचहत्तर का पाँच पचास सात पंद्रह दूस तीस सात सैतीस सा, सैंतीस सौ पचास आपका राइट आंसर बनना चाहिए दिख रहा है क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर एक बार और समझाता हूँ मैं देखिए उनने ये बोला था कि दो प्रतियोगों के बीच में एक चुनाव हुआ तकनीकी समस्या के कारण कुल वोटों का पच्चीस परसेंट अवैध हो गया मतलब सौ वोट रहेंगे पच्चीस परसेंट मतलब पच्चीस वोट आपके इनवैलिड हो गए पच्चीस वोट क्या होगा बताइए इनवैलिड बोलो बात आई समझ में यहाँ तक ठीक है फिर क्या बोला बोला कि विजेता को पचहत्तर सौ वोट मिले तो एक चीज बता दी होने कि विजेता को मिल रहे हैं सेवेंटी फाइव हंड्रेड वोट बोलो बात आई समझ में फिर बोल रहे हैं जो कुल वोटों का दो बटे तीन होते हैं तो कुल वोटों का तो यहां से निकल जाएगी एक्स की वैल्यू एक यूनिट की पचहत्तर एक्स का दो बटे तीन निकालोगे तो पचहत्तर सौ आएगा तो एक्स की वैल्यू आएगी डेढ़ सौ मतलब एक यूनिट की वैल्यू आई डेढ़ सौ बोलो बात आई समझ में तो आपको बोला कि दो बटे तीन अगर विनर को मिलते हैं तो बताओ एक बटे तीन किसको मिलेंगे लूजर को वो बोल रहा है कि विजेता के मत विजेता को मत कितने मिले अपने हिसाब से पचास और अवैध मत अवैध मत कितने पच्चीस तो डिफरेंस कितना होगा बताओ पच्चीस पच्चीस कहाँ से आया है पचास माइनस पच्चीस बोलो बात आई समझ में और पच्चीस एक यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ एक सौ पचास आंसर आएगा छत्तीस सौ पचास बढ़िया क्वेश्चन था बढ़िया कॉन्सेप्ट भी है ठीक आ जाइए लास्ट नोज द लिस्ट वन फिफ्टी क्वेश्चन इस स्लाइड का सौ तो सेंटीमीटर लंबे एक बोर्ड को छियासी सेंटीमीटर तक काटा जाता है कितने प्रतिशत हटा दिया गया तो आप बोलोगे सर सौ में से घटाएंगे छियासी अपॉन में करेंगे सौ में और आपको पता है कितना आएगा बताओ फोर्टीन परसेंट ऑप्शन नंबर डी भाई क्या बन जाएगा राइट right आंसर तो यहाँ तक आपके सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने बेस्ट अप्रोच से सॉल्यूशन किया भाई और क्वेश्चन यहाँ पे आसान भी थे ठीक है यहाँ पे इस स्लाइड में तो ज्यादा क्वेश्चन आपके टफ थे भी नहीं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ में जब तक शानदार तरीके से तैयारी करते रहे टेक केयर